कहीं भी सड़क कमी ना रह जाए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम के इनको थोड़ा सा इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो वहाँ पर टनल निकलने की वजह से 90% जो है पानी के स्रोत जो बिल्कुल सूख चुके हैं, लोगों को पीने के पानी के लिए भी काफी समस्याओं का सामना। जानवर पालना क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन मैंने पहले की बताया बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट 10% होगी, तो वहाँ पे जो लोग थे वो पानी के सहारे ही अपना सारा टाइम निकालते थे, मतलब जानवरों को पानी चाहिए लोग। लेकिन आजकल के हालात वहाँ पर ऐसे हैं कि लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। जो पानी हम लोग इस टाइम पी रहे हैं अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो हम हमारे जितने भी लोग हैं सर बहुत मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और इनका जो रोजगार का तरीका है सर वो एग्रीकल्चर बेस है। और अभी जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, अगर ब्रीफली सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है उनकी परफॉर्मेंस की प्रोग्रेस ट्रेंडिंग चार्ट से हेड किया हुआ है मिनिस्ट्रीज को, और आज उसके अलावा कोर को भी सर ने उस विभाग को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट देखा है। आज एफपीआई जिंदगी है, हिली एरियाज के जो भी दुश्वारियां हैं उसको देख के समझ के हम लोग जो पीछे रह रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है कि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। अगर हम उनको इस चीज का अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, किस चीज के लिए, कई बार तो हमारे सामने इतनी सारी समस्याएं आ जाती है कि हम लोगों से फॉर्मेलिटीज मांगते हैं तो लोग हमारे पे कई क्वेश्चन पुट कर देते हैं, अरे कहीं हमारा किराया तो नहीं बढ़ा रहे हो, कहीं हमारा नंबर तो नहीं निकाल रहे हो, जबकि उनकी बेसिक जरूरतों के लिए ही वो फॉर्मेलिटीज मांग। कम से कम वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो पीआरएफ मेंबर्स हैं, सरपंच हो गए, डीडीसी, डीडीसी, एक बार थोड़ा उनको पहले ध्यान दें प्लीज, बता देना चाहिए सर सब ने। जैसे मैं, क्योंकि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज मेरी ही होम पंचायत के अंदर। सबसे पहले तो मैं श्री सदवा की इस पवित्र धरती को नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। बच्चियों के प्रति मैं, बच्चों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने खड़े होकर मेरा अभिनंदन किया, और सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 11 फरवरी के और हमारे जितने भी लोग हैं, गरीब आवाम 203 का जिसका एक्विजिशन हुआ है, जिसने अपनी जमीन दे दी है प्रोजेक्ट को, आज तक उसको कंपनसेशन, उसको मुआवजा नहीं मिला है, तो पैसा अगर उपलब्ध है तो ये देना चाहिए, जो भी उसमें टेक्निकलिटीज हैं उसको रिमूव करके पैसा। जो गब्बर रोड साड़ी का इलाका है, ये रोड कनेक्टिविटी हमारी इसके डीपीआर बनी हुई है, इस वक्त तक विभाग के पास बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम आपके मुलाकात चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में प्राइस जो है वो इम्पावर्ड है। 33% हमारी महिलाएं हैं इन संस्थानों में, ये पहली बार हुआ है। हमारे एसटी, हमारे एससी, हमारे दूरदराज की पहाड़ों के लोग जो है आज सही मेनू में अपने जो उनकी हक है उनका एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके लिए मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर जब से संविधानिक यहाँ पे व्यवस्था चेंज हुई है, विशेषकर जम्मू संभाग के लोगों ने एक राहत की सांस ली है। वो गर्वे कश्मीर के, वो उनकी धौंस, वो उनकी डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ जो होती थी, वो 70 सालों के बाद हमारे साथ इंसाफ हुआ है और आज हम एक आजाद फिजा में 370 और 35A के बगैर यहाँ पे जिंदगी बसर कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। ये सारी हमारी जितने भी विभाग हैं, ये आप, हम चाहते हैं सर कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाएं। सर जहां तक मैं इस ब्लॉक का मैं प्रतिनिधि भी हूँ, डीडीसी मेंबर भी हूँ और जिला का चेयरपर्सन भी हूँ, सभी मुद्दे आपके समक्ष रख लिए हुए हैं। बेशतर मुद्दे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे तक जो है
ये यहाँ तक हल होने वाले मुद्दे हैं। मैं आपके समक्ष वही चीजें रखूंगा, समय का अभाव है, मैं वही चीजें रखूंगा जहां पे आपके हस्तक्षेप की जरूरत है। सर, रोड कनेक्टिविटी का मुद्दा आया, 2019 जब अटल जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना उस वक्त शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई थी, और आज तक 20-21 सालों में बहुत सारे रोड हमारे इस क्षेत्र में आए हैं। जिस रोड पे हम चल के आए हैं, ये भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से बना हुआ है, लेकिन जितना लाभ यहाँ पे होना चाहिए था हमें इन क्षेत्रों में नहीं हो पाया। उसकी वजह यह थी कि जितना भी वहां से सेंटर से पैसा आता था वो सारा कश्मीर में डाइवर्ट होता था और हमारे हिस्से में बहुत कम आता था, जिसके नतीजन हमारे बहुत सारे इस वक्त तो रियासी जिला के 103 गांव जो मोटे मोटे इस वक्त क्राइटेरिया में फिक्स होते हैं, 103 गांव में इस वक्त तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जिसमें हमारा सारी का गांव है सुजन घाट से, जो हमारा सारी का सबसे दो डिस्ट्रिक्टों को बनाने वाला एक बहुत जबरदस्त डिमांड इस इलाके की है, वो नहीं है। मंत्री महोदय, हमारा जो ब्लॉक और तहसील हेडक्वार्टर है, जिस स्थान पे नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इस इलाके को दिया गया था 2014 में, वहां पे रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से आज हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और तहसीलदार, जिनको इस इलाके में बैठना चाहिए था, वो वहां पे नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है। और इलाके की इस दुश्वारपूर्ण टेरेन और जियोग्राफी को देखते हुए, टोपोग्राफी को देखते हुए, लोगों को सहूलियत नहीं है कि वो क्या कहना था कि ये सेंटर से होते हैं। अब एक हमारी स्पेशल डिमांड पब्लिक ऑर्डरिंग प्रोग्राम की एक मुख्य डिमांड समझे, क्योंकि जितने भी हमने ये हर जो है जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वो हर जगह से जो है पूरा प्रपोजल हमारे सेक्रेटरी में भेजा हुआ है, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हुई, हमने अपने हाथों से प्रपोजल बना के भेजे है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ये न्यू अंगनवाड़ी सेंटर जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे रिजिबल हो सकता है कि यहाँ होने चाहिए, वहां पे हों जल्दी से जल्दी। इसके साथ ही सर, यहाँ की बम्हा की इस ब्लॉक की और विशेषकर मैं अपनी पंचायत की बात करूं, कुछ बहुत अनेकों काम ऐसे हुए हैं कि उनको गिनाने का वक्त जितना मर्जी लगा रहे हैं, हम अपना वक्त बर्बाद करेंगे, बाकी जो हमारे वक्ता है उन्हें अपना विचार यहाँ पे रखना है, लेकिन हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं। यहाँ की तरह आप जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं केंद्र में, और यहाँ के सर पीएचई डेलीवेजर्स हैं, पीएचई नहीं ना केवल पीएचई बल्कि कोई भी डेलीवेजर जो है जम्मू कश्मीर में, और विशेषकर जब हम आज आपका प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा था तो यहाँ पे हमारे बीच में बहुत सारे डेलीवेजर बैठे, कई लोगों ने फोन किया कि हमारे आपके लिए जैसे लोगों को पता चला कि वो आ रहे हैं तो आप हमारी बात दूर रखें। तो ये आपसे विशेष अनुरोध है कि ये लोग जो दिल्ली में जो लोग हैं इनकी आप मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करें, और ये मुझे लगता है पूरे स्टेट का एक बर्निंग इश्यू बन चुका है, इसको आप अपने हिसाब से जितना जल्दी हो सकता है इसको भी करें। इसके साथ ही सर एक टूरिज्म सेक्टर की हम बात करें, टूरिज्म का मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का माने डीडीसी चेयरमैन साहब का विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि एक हमारे वहां की एक पंचायत है सुजनदार की एक एफएमएम टूर जो है वो कल से कल वहां पे हमारे टूरिज्म के लोग आए थे, हम मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का विशेषकर और विशेषकर हमारे डीडीसी जनरल साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि एक विभाग ने एक अच्छा कदम है कि टूरिज्म सेक्टर को लेकर। इसके साथ ही सर वो बाकी विभाग की अजैनिक पंचायतें हैं इस ब्लॉक को उसी एफएम टूर के तहत जो है बाकी भी जो पंचायतों में बहुत पोटेंशियल है। सर मैं अगर अपनी पंचायत की बात करूं, मेरी पंचायत राशन देवी के एक साथ से त्रिपुरा पर्वत के साथ रखती है, और इतना पोटेंशियल है वहां पे टूरिज्म का कि आप सोच नहीं सकते। हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने मेमोरेंडम भी बना रहा है, वो हम आपको ये कॉपी देंगे, मंत्री साहब को ये कॉपी दे देंगे, इस पर आप जरूर ध्यान दें। ऐसे एजुकेशन सेक्टर है जहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बुरी हालत है इस ब्लॉक की। अगर हम कहें यहाँ पे स्टाफ की बहुत ही शॉर्टेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत शॉर्टेज कमी है। ऐसे ही बमाग की सर यहाँ की हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब, हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब बमाग को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये अपनी बात रखेंगे। अब बड़ी मुद्दों में मैं बात करना नहीं चाहूंगा, लेकिन इसके साथ एक सर मैरिज असिस्टेंस स्कीम आती है, जो कुछ इस स्कीम में जो लोग रह गए हैं, बच्चियां जो रह गई हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलता है, बहुत ही गरीब परिवार होते हैं उनको इस स्कीम के तहत जो है लाभ मिलना चाहिए, लेकिन
वो कुछ लड़कियां जो है ऑनलाइन सर्वे में नहीं है, और इसको भी आप जल्दी से जल्दी जो है इसमें करने की कोशिश करें। वहाँ पर पानी के बिल्कुल सोर्स उठ चुका है, लोग जो है पानी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। ना तो वो लोग इतने ज्यादा अमीर है कि वो पलायन करके आगे पीछे रहे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वहाँ पर थोड़ा सा पानी को लेकर के ध्यान दिया जाए। बाकी तो चलो बहुत सारी समस्याएं हैं, सरकार भी हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्पेशल डीसी सर करते भी बहुत है, मुझे पता है वो बिजी भी रहते हैं, लेकिन मैं आज फिर इस मंच के माध्यम से भी उनको याद दिलाना चाहूंगी। मैं सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और मेरे आने के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए, उनके लिए ताली बजाइए। ये पहली बार हुआ है देश की आजादी के बाद कि देश के प्रधानमंत्री ने तय किया पिछले वर्ष से कि केंद्र के प्रत्येक मंत्री को जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में अनिवार्य रूप से जाना पड़ेगा। और जाने का मतलब ये नहीं है कि गए और वापस आ गए, एक रात कम से कम वहां गुजारनी होगी। ये इसी का परिणाम है जो हम आपके बीच में खड़े हैं, और रात को मैं रियासी रुकूंगा। पिछले बार में आया था तो रामनगर गया था, एक हमारी सहयोगी रेणुका जी नहीं पहुंच पाई थी तो मैंने उनका कार्यक्रम भी किया था। मैं इसलिए कह रहा हूं 2030 तक खुले से शौच से मुक्त होना था। मैं गर्व करता हूं अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कि हमने वो लक्ष्य 11 साल पहले प्राप्त किया, 2019 को प्राप्त किया, और आपने नहीं किया। पहले कोई सरपंच हो या जनप्रतिनिधि हो अगर उसे आप कहते कोई मानता है, हमारे स्कूल के भाई बहन आपके बच्चे ने आपका हाथ पकड़ा, कोई और ने नहीं पकड़ा, पुलिस वाला डंडा लेकर नहीं आया आपके पास, लेकिन ये ताकत थी नरेंद्र मोदी के प्रति भरोसे की और उनकी अपील की ताकत थी, इतना बड़ा बिहेवियर चेंज हम लेकर आए। ये तो बहुत छोटी चीजें है जो आप कह रहे हैं, ये टेक्निकल चीजें हैं, ये आसानी के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि जिस जल शक्ति मंत्रालय में मैं हूं उसमें साफ कहा गया है, प्रधानमंत्री ने 3 चरण तय किए, पहले पानी का सोर्स देखो। नहीं तो पहले आपको भी अनुभव होगा कि आप कहां से पानी लेते थे, कब पानी सूख जाता था, कब वाटर सप्लाई बंद हो जाती थी, कब मोटर जल जाती थी, कौन सुधारेगा। सरपंच हमेशा दूसरे मत से पैसा देता था बिजली के बिल का, कभी उसे तय नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा यह नहीं हो सकता, वो सिलेक्टेड लोगों को पानी मिलता था, ताकतवर लोगों को मिलता था, जरूरतमंद को नहीं मिलता था। ये सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री की कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसमें इस बात का कोई लैप्स हो या गैप हो, जहां पर आप जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, चहितों के नाम पर आप उनको पहले दे पाएंगे लैप्स कहीं है नहीं। नहीं तो मैं जब पिछले बार आया था तो रामनगर की पहली प्रधानमंत्री सड़क योजना के पहले चरण की सड़क पिछले साल तक पूरी नहीं हुई थी, पिछले साल तक मैंने रिपोर्ट दी थी, और उसके बाद वो बन गई। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, अब तरीका हो सकता है कि किसी ने उसको कैसे फॉलो अप किया। मैंने सिर्फ पूछा कि इसमें जांच उठानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मैं उस स्टैंडिंग कमेटी में पास आ रहा हूं जिसे मुझे पता था कि ये लैप्स कहां है। तो कई बार इन चीजों का भी फायदा और नुकसान होता है।